जय हिंद एवरीवन। सफलता मैच के एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए, क्योंकि ये इजी है और आप बड़े ही आसानी से यहाँ से चार नंबर अपने टर्म वन में स्कोर कर सकते हैं। कितने नंबर? चार नंबर। तो पूरा का पूरा हम सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो भी चीजें आपके टर्म वन में आने वाली है, जो चीजें कट गई हैं, जो रिलेटेड है उसको नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में हम लोग एमसीक्यू भी इसका सॉल्व करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में हम सारी चीजों को पढ़कर सॉल्व करके खत्म कर सके और रात तक आपको 8 बजे तक आपको डीपीपी भी मिल जाएगी। तो मेक श्योर आज के आज इसको फाइनल कर लीजिए, ताकि 8 तारीख को जो आपको इसका टेस्ट होने वाला है, पार्ट टेस्ट 4 चैप्टर का, उसमें आप अच्छे से अपीयर हो सके। तो तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, तो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमारा टारगेट है भाई 40 out of 40, जिसके लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो वन शॉट वीडियो के साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे टर्म वन के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इससे आपको मैं बता दूं, 4 नंबर का आता है, ठीक है? चलो, तो जो भी बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए सफलता बैच का टेस्ट सीरीज बना दिया गया है और टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट होने वाला है 7 तारीख को पार्ट टेस्ट साइंस का, 8 तारीख को मैथ का, 9 तारीख को एसएसटी का। तो साइंस, मैथ, एसएसटी, अब सारे के सारे टेस्ट अब शुरू हो जाएंगे, ये आपके पार्ट टेस्ट, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है? चलिए, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल दोस्त। तो मेक श्योर सारी चीजों को फॉलो करिए। सिलेबस मैं बता दूं इस चैप्टर का, तो सिलेबस होने वाला है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला भी सवाल आते ही आते, ये मतलब गारंटीड सवाल है यहाँ से, सेंट्रॉइड ऑफ सेंगल, तो समझ लीजिए 2 सवाल आपके सेक्शन फॉर्मूला से आएंगे, 1 सवाल आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1 सवाल सेंट्रॉइड पे भी आ सकता है, ठीक है? तो ये 4 नंबर का आपका होने वाला है, तो मेक श्योर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा यार। चलिए, तो बेसिक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल, आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट की लोकेशन हमें पता करनी है, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है? ये आपको जो चीजें दिखती है ना, एक लाइन ऐसे, जो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इस वाले लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, ठीक है? इस वाले का होता है वाई एक्सिस, क्लियर है? ये जो जहां दोनों मिले हैं ना, उसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक? इधर वाला जो लाइन है यहाँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर वाला ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा रहता है, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है? अब कुछ और बेसिक चीजें इसमें क्या याद रखनी है आपको, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको क्वाड्रेंट कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो वो आपका एक्स कॉमा वाई होता है, जो कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहां लिख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, तो सेकेंड में आपका एक्स इज लेस देन जीरो होता है, वाई इज ग्रेटर देन जीरो होता है, क्योंकि आपको पता है इधर की वैल्यू नेगेटिव, उधर की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू भी निगेटिव होती है और वाई की वैल्यू भी निगेटिव होती है। सारी चीजें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और वाई की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। ये बेसिक चीजें एक बार देख लेते हैं सारी चीजें, ठीक है? चलिए, अब जैसे इसी कार्टेशियन प्लेन में, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, अगर आपको मैंने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर एक्स और वाई, तो एक्स और वाई आप पता कैसे किए, ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है? एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, क्या है? यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? एक्स, ठीक है? ये एक्स यूनिट डिस्टेंस है। तो y क्या है भैया, आप समझ में आ गया होगा, y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है? क्लियर है? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका 0,0 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाली लाइन कौन सी है, इस वाली लाइन पे अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू क्या होगी, कहोगे भैया y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसी पॉइंट पे पता करेंगे तो हमेशा 0 रहेगा, या मतलब समझ रहे हो, इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। इसीलिए इस लाइन को बोलते हैं x इक्वल टू 0 वाली लाइन, ठीक है? और इसी तरह से इस लाइन को क्या बोलते हैं? y इक्वल टू 0 वाली लाइन।
मतलब इस पर आपका वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी और इस पर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये चीज आप बेसिक चीजें ध्यान में रखेंगे ताकि जब हम सवाल लगाएं तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये आपको ओरिजिन ध्यान रखना है। पॉइंट कैसे, अगर मैं आपको यहां दे दूं, ये आपका मैं दे दूं आपको -4,6, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे -4 होगा, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, -4, और अगर इसकी डिस्टेंस मैं देखूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, 6। क्लियर है। अब ये जो x और y होते हैं इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x को हम कहते हैं f सीसा, ठीक है, और y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये सारी चीजें हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ये है आपका f सीसा, ये है आपका ऑर्डिनेट। क्लियर है। कभी कभी एग्जाम में नाम से लिख देता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज ना होने से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि भैया एफ सीसा मतलब ए पहले आ रहा है तो मतलब ये एक्स होगा, ऑर्डिनेट मतलब ये बाद में आ रहा है ओ तो ये वाई होगा। ध्यान ये रखेंगे कि हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही लिखते हैं, पहले एफ सीसा लिखते हैं फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। क्लियर, बेसिक चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, क्लियर हो रही है, हो रही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपने क्लास 9th की पढ़ी है, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हमें इस साल क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी पता करना है। अगर हमें कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे, तो कैसे करेंगे। सपोज ये एक पॉइंट है ए और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x1, y1। ये एक पॉइंट दिया है बी और इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको x2, y2। अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, सपोज ए बी, इसको आप डिनोट करेंगे ऐसे, ए बी अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं ये है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया। या फिर आप इसे ये भी याद कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एफ सीसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, हमने ये पलट के लिखा तो क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर x1 - x2 की वैल्यू अगर निगेटिव मान लो आ गई तो भैया आपको तो स्क्वायर करना है, निगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, तो भैया स्क्वायर करना है तो चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे, कान ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, मतलब तो वही है। ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद रहेगा। चलो जल्दी से एक सवाल लगा लेते हैं एनसीईआरटी का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5, 7 एंड -1, 3। तो डिस्टेंस ऐसे करेंगे, -5 - -1, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं -5 - -1 लिख दिए, अब गलत हो जाता है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, x1 - x2 या फिर x2 - x1। फिर यहाँ पे 7 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में ये -5 + 1 कितना हो जाएगा -4, होल का स्क्वायर 16, 7 + 3 = 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = 32, या फिर हम इसे कह सकते हैं 4√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सॉरी यूनिट डिस्टेंस है ना, स्क्वायर नहीं, यूनिट। क्लियर है। इतनी चीजें समझ में आई कैसे डिस्टेंस निकालना है, बहुत बढ़िया। चलो अगर कभी कभी आपको दे दिया जाए कोई पॉइंट है, इसको आप ओरिजिन से पता करिए इसका डिस्टेंस कितना होगा। सपोज ये x, y ये कोऑर्डिनेट है, तो वही फॉर्मूला होगा x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं कि अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, सपोज ये OA है, तो OA अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है √x² + y². क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब आपसे सवाल क्या क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है इस पर एप्लीकेशन। क्या पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो मजा आ रहा है ना, कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा है तुम लोगों का। अभी सवाल भी लगाएंगे, बहुत सारे सवाल लगाएंगे दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सफलता बैच से आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो एप्लीकेशन की बात करूँ तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कि भाई अगर किसी लाइन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। जैसे पहले सीख लीजिए ए बी सी, 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होने चाहिए,
क्लियर है। जैसे मैंने आपको दे दिया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये कोलिनियर है, तो आपको पता क्या करना होगा, आप तीनों पॉइंट को एक लाइन पर रखेंगे और वहां से निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी की डिस्टेंस। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लाइन एक ही पॉइंट, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो। अब कोई बच्चा कहेगा भैया अगर तन्नी सा ऊपरा हो जाए तो, बेटा अगर तन्नी सा ऊपरा हो जाएगा ना एक पॉइंट तो वो बाहर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर नहीं होगा, और तभी ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कभी भी ए सी नहीं आएगी, ये हमेशा ग्रेटर आएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर यही लाइन इस पर है तो ट्रायंगल जो बन रहा है इसका एरिया हमेशा क्या होगा, जीरो। हालांकि सिलेबस में ये होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी हम कोलिनियरिटी को प्रूव करते थे, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन बच्चे कहेंगे भैया हो सकता है कभी कभी सी बीच में आ जाए, तो यार देखो ये तुम्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी आ गया, मतलब बी ए प्लस ए सी की वैल्यू अगर बी सी के बराबर आई है तब भी कोलिनियर है, ठीक है। चलो एक एक आपको इसका समझ में आ गया एप्लीकेशन। चलो एक दूसरा एप्लीकेशन मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी से, इसको मैं मिटा दूं। दूसरा एप्लीकेशन होता है कि किसी भी पॉइंट से अगर हमारे दो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, क्या है, इक्विडिस्टेंट, जैसे हमारा पॉइंट है ए और हमारा पॉइंट बी, ये एक पॉइंट है एक्स, यहां से हमारे दोनों पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा एक काम करना है ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, बस इतना लगाइएगा आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे देता एक्स कॉमा टू और यहाँ पे दे देता आपका फोर कॉमा थ्री, यहाँ पे दे देता सिक्स कॉमा माइनस वन, आपसे कहता कि ये ए एक्स और बी एक्स, एक्स पॉइंट क्या है, ए और बी से इक्विडिस्टेंट पर है, तो आपको क्या करना होगा दोस्त, कुछ नहीं ए एक्स और बी एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, फिर आपसे पूछेगा कि एक्स की वैल्यू बताओ, रख देना अंडर रूट फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और यहां से हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर तो 1 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहां हो जाएगा 9, फिर यहां 8 बचेगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 9, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, 16 और 36 में से घटाएंगे तो इधर 20 हो जाएगा, एक को उधर भेजेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 20 कितना हो जाएगा 28, इधर 12 आएगा तो ये हो जाएगा 4x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 28, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 7,2, मतलब 7,2 एक ऐसा पॉइंट है जहां से a और b की दूरी क्या है बराबर, ठीक है। इसी दो टॉपिक पे सवाल आते हैं, या तो कोलिनियर पे आएंगे, या तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला पर आएगा, या फिर इक्विडिस्टेंट पर आएगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, उम्मीद करता हूं। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो भाई साहब सेक्शन फॉर्मूला से बच्चे काफी डरते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। कैसे नहीं डरना है, जैसे आपको सेक्शन फॉर्मूला में कुछ करना नहीं होता, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट है, आज समझ लीजिएगा अच्छे से, एक्स वन कॉमा वाई वन है और ये बी पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू। बाहर से एक बेचारा पॉइंट आया और कहा कि ये भाई ये मैं तुमको डिवाइड कर दे रहा हूं, मैं हूं पी, मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, मैं तुमको डिवाइड कर दे रहा हूं एम एम वन और एम टू रेशियो में, मतलब इधर इधर का भाग एम वन है, इधर का भाग एम टू है, मतलब एक बाहर से पॉइंट आया, इसको इंटरनली डिवाइड किया किस रेशियो में, M1 अपॉन M2 के रेशियो में। तो अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बता दो कि ये जो पॉइंट आया था बाहर से, जो M1 और M2 रेशियो में डिवाइड किया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा, आप पता कर सकते हैं यूजिंग दिस दिस एंड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है P x कॉमा y, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, फिर यहां लिखते हैं M1 x2, याद रखिएगा 1 का साथ ही 2 रहेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है, मतलब कौन किसका साथी रहेगा, एक का दो, दो का एक, क्लियर है। अब ये बात इंटरनली की हुई है, अगर अच्छा रुक जाओ पहले ये समझ लो कि मतलब ये कहता है कि x कौन है, x है ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू,
इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कौन है ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, ये तो बात हो गई इंटरनली की। अगर कभी कभी बात हो जाती है एक्सटर्नली की, हालांकि सिलेबस में आपके नहीं है, एक्सटर्नल क्या होता है आप देख लीजिए, बस ए है बी है, ये है एक्स वन ये है वाई वन, ये है एक्स टू ये है वाई टू, और अगर ये बाहर मेरा पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ये इसको क्या कर रहा है एम वन इज टू एम टू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये यहां से यहां तक एम वन और ये यहां से यहां तक एम टू। तो भैया ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला कुछ बदलता नहीं है, एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस एम टू कॉमा एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस एम टू। बस एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस। क्लियर? याद रहेगा, सवाल इस पर नहीं आएगा, ठीक है, बट बता दे रहा हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, क्या भैया, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली बाइसेक्ट कर देती है, क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है, बाइसेक्ट का मतलब भैया उसको आधा आधा डिवाइड कर देना, मतलब एक रेशियो इधर रहेगा तो एक रेशियो इधर, अगर इधर की दूरी पांच है तो इधर की भी दूरी पांच होगी, इधर की दूरी दस है तो इधर की दूरी कितनी होगी, दस होगी। तो अगर कोई भाई आया इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, एम वन इज टू एम टू की वैल्यू क्या है, वन अपॉन वन, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला मतलब पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये होगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। कहोगे भैया एम वन एम टू कहाँ गया, अरे पगला ये वन वन तो है, वन का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा। क्लियर हुआ? याद क्या रहना चाहिए, याद ये रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए तो भैया अब ये सवाल लगाया जाए। चलो, इफ ए एंड बी आर माइनस टू कॉमा माइनस टू एंड टू कॉमा माइनस फोर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू थ्री बाई सेवन ए बी। अच्छा, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पी जो है वो ए बी पर लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर पी यहाँ लाई कर रहा है, ये ए है ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस टू कॉमा माइनस टू, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना भैया, ए भैया कितना, टू कॉमा माइनस फोर, पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है भाई, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है चाचा एक्स कॉमा वाई। अब आपको दिया हुआ है ए पी अपॉन ए बी, क्या दिया हुआ है, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए ए पी अपॉन पी बी, क्या चाहिए, ए पी अपॉन पी बी, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे आएगा भाई, देखो ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू, ए बी क्या है, ए बी है भैया ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन, ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हो ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू सेवन बाई थ्री, लिख सकते हो ना भाई, पलट दिया दोनों तरफ। अच्छा, ए पी बाई ए पी कितना हो गया, वन प्लस पी बी बाई ए पी इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री, फिर इधर कर लो इसको, पी बी बाई ए पी कितना हो गया, पी बी बाई ए पी हो गया भैया सेवन बाई थ्री माइनस वन, दैट इज फोर बाई थ्री, पी बी बाई ए पी आया, हमें क्या चाहिए था ए पी बाई पी बी, क्या हो जाएगा भैया थ्री बाई फोर, मतलब समझ में आया क्या जी, आया क्या जी, कहोगे यस भैया, ये हो जाएगा आपका थ्री, ये हो जाएगा फोर। क्लियर है? थ्री इंस टू फोर के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब तो आप तुरंत निकाल लोगे, कैसे, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू प्लस फोर इंटू माइनस टू दैट इज माइनस एट अपॉन थ्री प्लस फोर सेवन, ये हो जाएगा आपका थ्री इंटू माइनस फोर दैट इज माइनस ट्वेल्व प्लस फोर इंटू माइनस टू दैट इज माइनस एट अपॉन सेवन, ये हो जाएगा छः, छः माइनस आठ कितना हो जाएगा माइनस टू बाई सेवन, और ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी बाई सेवन। तो मजा आया क्या इस सवाल में, चीजें समझ में आई, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कठिन सवाल भी आएगा तो उसको इजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो, अब इसी पर बेस्ड एक और सवाल होना चाहिए, शायद नहीं है। चलिए, अब मैं आपको कुछ और चीजें बता दे रहा हूं कि जब आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा भैया, कि आपको क्या दिया रहेगा, जैसे ए पॉइंट दिया रहेगा एक्स वन कॉमा वाई वन, बी पॉइंट आपको दिया रहेगा एक्स टू कॉमा वाई टू, और ये जो पी है ना ये भी दिया रहेगा, क्या,
एक्स कॉमा वाई। अब आपसे पूछ लेगा भैया हमने आपको दे दिया, आप हमें बताओ कि ये पी जो है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कहेगा, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब आपसे पूछा जाएगा एम वन अपॉन एम टू की वैल्यू क्या होगी। आप तो एक तो डायरेक्टली निकाल सकते हो जिस तरह से फॉर्मूला आपको मैं बताया उस तरह से, मतलब क्या करोगे, पहले पी लिख लोगे एक्स कॉमा वाई, यहां लिख लोगे एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा, ये लिख दोगे एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब जो मैं मेथड बता रहा हूं ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, जो ये कोऑर्डिनेट होता है ये इसके बराबर होता है, ये जो वाई होता है इसके बराबर होता है, तो आपको क्या करना है एक्स को बराबर दिखाना है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू के, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे एम टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा एम वन अपॉन एम टू एक्स टू प्लस एम टू सॉरी एम टू नहीं वन बचेगा, वन इंटू एक्स वन अपॉन, ये हो जाएगा एम वन अपॉन एम टू प्लस वन, और ये हो जाएगा x। अब आपके पास x2 रहेगा, x1 रहेगा, x रहेगा, सिर्फ और सिर्फ m1 upon m2 नहीं रहेगा। आप इसको सॉल्व करके यहां से m1 upon m2 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो और ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक बार आप क्या कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर देना, अगर यहां से y वाली वैल्यू निकल कर आ रही होगी तो मतलब तुमने बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा। ये तो काम डिस्क्रिप्टिव वाले में भी करते हैं। एक और तरीका होता है, इसमें क्या करोगे m1 is to m2 में ना सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना k is to 1 में, k is to 1 में जब सॉल्व करोगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा k x2 plus x1 upon k plus 1 comma k y2 plus y1 upon k plus 1। अब k जो है वो आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, k रेशियो में ही आएगा, क्योंकि k जो क्या है, k क्या है, k वही है यार, k है m1 upon m2 बस। अब ये वाली चीज क्या है, अब देखो ये दिख रहा है, ये यही तो चीज है, m1 upon m2 की जगह हमने k रख दिया, बस क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो मेथड समझ में आया दोस्त, ऐसा सवाल अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पे करेंगे। तो ये था पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला, सवाल कैसे लगाने, इतना बेहतर तरीके से समझाया है कि आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी फॉर्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल आपको दे दिया जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा x2 कॉमा y2, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा x3 कॉमा y3। आपको निकालना होगा सेंट्रॉइड माध्यिका, क्लियर है। सेंट्रॉइड क्या होता है, ऐसा पॉइंट जब हम सारे मीडियन को मिलाते हैं, मीडियन क्या होता है, इस लाइन का हाफ करना, ठीक है, इस लाइन का हाफ करना, इस लाइन का हाफ करना, तो ये वाला जो पॉइंट मिलता है यही हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा, मान लीजिए ये एक्स कॉमा वाई आएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। वेरी इजी फॉर्मूला, आई थिंक ये तो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो लगभग 23 मिनट में, मतलब 20 मिनट में आपने एक पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। अब इससे अच्छा कुछ मिलेगा तुम्हें, इससे अच्छा कुछ मिलेगा भाई, 20 मिनट लगा है, 20 से 22 मिनट में आपने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो चलिए, तो एक और सवाल है, इजी सवाल है, पहले कर लेते हैं फिर उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, ठीक है। आठ आठ सोलह, सोलह बटे तीन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बारह छः अट्ठारह, अट्ठारह बटे तीन सॉरी, ये हो जाएगा सिक्सटीन बाई थ्री कॉमा सिक्स, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, डन। चलिए तो अब स्टार्ट कर देते हैं भाई अपना एमसीक्यू। कोई टॉपिक रह गया हो तो यार कमेंट कर देना, उसको मैं समझा दूंगा तुम्हें बाद में। कहाँ है भाई एमसीक्यू, आजा आजा। चलो तो पहला एमसीक्यू तर्क करने के लिए तैयार है आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस माइनस फोर कॉमा जीरो एंड टेन कॉमा जीरो, ये है मेरा एक कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। इस पे कह रहा है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस,
अब यार ये बताओ, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? भैया एक्स पे है तो मतलब एक्स पे तो इसकी वैल्यू होगी, बट वाई पे इसकी, वाई की इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये हमेशा एक्स कॉमा जीरो होगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज पहले बताओ। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उठाओगे उस पर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो। अच्छा अब कोई भी पॉइंट ले लो, -4.0 है और 10.0 है। द पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -4.0, ये मान लेते हैं -4.0 और इधर कहीं 10.0 होगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, -4 - x या फिर x - -4 मतलब x+4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? काफी ज्यादा बड़ा रूट बना दिया गया है, इसको ऐसे कर दो, इज इक्वल टू x - 10 का होल स्क्वायर या 10 - x का होल स्क्वायर, x - 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x+4, क्योंकि 0 हट जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, x+4 / x - 10, ये हो जाएगा आपका अच्छा ऐसे नहीं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाली वैल्यू आएगी तो डायरेक्ट रूट नहीं हटाएंगे, स्क्वायर नहीं हटाएंगे, पहले खोल लेंगे इसको। ये हो जाएगा आपका x² + 4 * 16 प्लस 2 * 8x इज इक्वल टू x² + 100 और 2 * 20x -20x, ठीक है। x² से x² कट जाएगा, 20x इधर आ जाएगा तो 28x हो जाएगा और ये हो जाएगा 116। कटेगा क्या? 4 * 7 = 28, 4 * 2 = 8, 4 * 9 = 36। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, समझ में आ गया। यहाँ पे 100 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 84, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? 4 * 7 = 28, 4 * 2 = 21, 7 + 7 = 21, x की वैल्यू 3 मतलब 3.0, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.0। इसको एक और तरीके से कर सकते थे क्या भैया? ये एक ही लाइन है तो भैया ये मिड पे होगा ना, ये कहाँ होगा? मिड पे होगा, तो मिड पे है तो आप ये भी तो कर सकते थे, -4 + 10/2, 10 में से 4 = 6, 6 / 2 = 3.0, तो बहुत ही इजी था, लेकिन आपको सारे मेथड पता होने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस लाइज इन। बढ़िया सवाल है भाई, पहले तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। M1X2, चलो M1X2 3 + 2 × 7 = 14/3 और M1Y2 2 × 4 = 8, 1 + 8 = 4 -12/3, ये हो जाएगा 14 में से 3 गया, 14 × 3 = 17/3 और ये क्या हो गया? 12 में से 4 गया, -8/3। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, डन, यही पता करना था। चल क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos θ + b sin θ, 0 and 0 a sin θ - b cos θ इज। बढ़िया सवाल। चल तो भैया फॉर्मूला वही रहेगा, a cos θ + b sin θ x1 - x2 दैट इज 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 दैट इज 0 - a sin θ - b cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सारा चीजें अंडर रूट में रहेंगी। अब ये क्या है? ये वही आपको चीज दिख रहा है, a² cos²θ + b sin²θ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा a² + b² + 2ab cos θ sin θ, फिर 0 तो हट ही जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a sin²θ + a² + b² हो जाएगा, सीधा लिख लेते हैं क्योंकि sin²θ + रुक जाइए a² cos²θ लिख देता हूँ यहाँ, b² sin²θ लिख देता हूँ यहाँ, लिख देता हूँ a² sin²θ और यहाँ लिख देता हूँ b² cos²θ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ -2ab sin θ cos θ, तो ये क्या हो जाएगा? -2ab sin θ cos θ, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² sin²θ, ये हो जाएगा 2a², ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 2b², फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर रूट में है ये सारी चीजें, तो यहाँ से तो मेरे अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए √2 of a² + b² एक सेकेंड, अच्छा a² हाँ एक ही a² होगा, रियली सॉरी फॉर दैट, हाँ सर ठीक, तुम लोग कह रहे होगे भैया एक ही a² होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? √a² + b², डन।
अरे यार ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और ये सॉरी ये कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू वन। इसी तरह बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें रूट में है तो यहाँ बचेगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। If the point P K, 0 divides the line segment joining the point A 2, -2 B, -7, 4 in the ratio 1:2, then the value of K is। बहुत आसान सवाल है, अब आप आसानी से कर सकते हो। सपोज ये पॉइंट है आपका 2, -2, ये पॉइंट है आपका -7, 4, ये है आपका K, 0 और ये इसको 1:2 में कर रहा है, तो बस आप लिख दीजिए इसको 1 × -7 दैट इज -7 प्लस 2 × 4 अपॉन 3 1 × 4 -8/3 ये हो जाएगा -3/3 -4/3 ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, अब कह रहा है कि ये k किसके बराबर होगा, -1 के। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? इफ द पॉइंट p k, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 देन द वैल्यू ऑफ k। ये तो जीरो आना चाहिए था यार, ये क्यों वैल्यू आ रही है इसमें, देखता हूं मैं। 2 × -4 ये -4 1 m1 x2 m1 y2 1 × 4 और ये 2 × -4 ये -4 आएगा, ये जीरो आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूं। बाकी ये तो ठीक है हमारा, ये जीरो आएगा। ठीक है, तो आंसर -1 डन। चलिए, इफ ए m/3, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ m। तो -6 + -2/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/3, तो ये जाएगा -8 और ये हो जाएगा आपका -4 और ये हो जाएगा -12। ठीक है, डन। अरे वही होता है ना, x1 + x2/2, इसको कंपेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ p a/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन, तो -6 + -2/2 = a/3, तो ये हो जाएगा आपका -4 और ये भी -12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ए ओ बी आर इन द फिगर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है 0, 2i, ये है 2x, 0 और ये है आपका क्या, 0, 0। हमें ऐसा कोऑर्डिनेट खोजना है कि जो इन तीनों जगह से सेम दूरी पर हो, तो वो क्या होगा, वो होगा सेंट्रॉयड। ठीक है, सेंट्रॉयड से सभी जगह की दूरी क्या होती है, समान होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मीडियन लाइन होती है ना, सबको 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड करती है। मतलब ये दूरी और ये दूरी सेम होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 2x/3 और ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 2y/3। तो इसके अकॉर्डिंग टू 2x/3 और 2y/3 आना चाहिए यार। तो किसी और मेथड से किया जाए क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो यार सेंट्रॉयड इसका होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। चलिए इसका डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज करते हैं ये पॉइंट है x, y, तो ये x, y से 0, 2i की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये हो जाएगा आपका, सपोज x, y मत मानिए, p, q मानिए। ठीक है, p, q, इसको मिलाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हो सकता है थोड़ा वक्त लेगा, बट कर लेंगे। p - 0² p - 0² दैट इज p² प्लस q - 2y² q - 2y² अंडर रूट में रहेगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, p - 2x² p - 2x² प्लस q - 0² दैट इज q². तो यहाँ से आ जाएगा p² प्लस q² प्लस 4y² प्लस 2qy 2 × 4 qy। ठीक है, इधर से आ जाएगा p² प्लस 4x² प्लस 2px माइनस में, इधर से आ जाएगा प्लस p² कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 4y² माइनस 4qy, इधर से बचेगा 4x² माइनस 4px। क्लियर है, तो यहाँ से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस y² इक्वल टू x माइनस y। ठीक है, तो इधर से बच जाएगा x माइनस y एक ब्रैकेट में, x प्लस y एक ब्रैकेट में, x माइनस y एक ब्रैकेट में।
तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, कि एक्स माइनस वाई की भी वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखा जाए यार, क्वेश्चन तो फंसा रहा है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है यहाँ से। अच्छा ये वाले डिस्टेंस देखें, ये कितना आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये किसके बराबर मैं मान लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू वाई का होल स्क्वायर मैं मान लेता हूँ। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या है, जीरो इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर क्यू वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर क्यू वाई, तो एक तो y की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और एक फोर फोर से फोर गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, q, तो y की वैल्यू q आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या है, एक तो और इक्वेशन क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, बट आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एवरीथिंग, डोंट वरी। पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू क्यू आ रहा है, मतलब क्यू इक्वल टू वाई आ रहा है, मतलब एक तो हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेट जो होगा ये वाई होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, लेकिन एक्स कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पी स्क्वायर प्लस या फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स या फोर पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर पी एक्स, फोर से फोर गया, एक्स से एक्स गया, एक्स इक्वल टू क्या आया, पी। तो ये सही है, पी की वैल्यू एक्स होगी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, वाई। तो एक्स कॉमा वाई विल बी द कोऑर्डिनेट जहाँ से इस तीनों पॉइंट की दूरी सेम होगी। तो ये हम लोगों का मेथड शायद सेंट्रॉयड वाला गलत है, क्योंकि सेंट्रॉयड्स, लेकिन सेंट्रॉयड भी आई थिंक सही होना चाहिए। चलिए एक बार कंफर्म करिएगा जिसको भी लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्किल ड्रॉन विद द ओरिजिन एज द सेंटर पासेस थ्रू 13/2, 0, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए सर्किल इज ड्रॉन विद द ओरिजिन एज द सेंटर, मतलब इसका सेंटर क्या है, 0, 0, ठीक है, और इट पासेस थ्रू 13/2, 0, 13/2, 0। मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ, आंसर आप बताएंगे। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इंटीरियर ऑफ द सर्किल, मतलब आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले रेडियस निकालना होगा, क्योंकि ये पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहा है, तो रेडियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/169/2 अरे 13/2 ही हो जाएगा, क्योंकि 0, 0 से 13/2 की दूरी हो जाएगी, 13/2 इसका क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब आप निकालेंगे 3 × 9 = 16 + 1, ये हो जाएगा 16 × 9 = 25, 5/4। तो 13/2 में 5/4 क्या ज्यादा है या कम, इसको कह देंगे आप 13/2 को लिख सकते हैं 26/4, और ये हो जाएगा 5/4। तो कौन सा जाता है, 26/4, मतलब ये जो पॉइंट है ये इनसाइड होगा, ठीक। इसी तरह इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 49/9, 9 × 36, 36 + 49 कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15, और 4 × 3 = 7 = 8, 85/9, 85/9 मतलब 9 × 72 = 9, 9 = 81, 9 point something, और ये आ रहा है 2×2 = 12, मतलब यही पॉइंट आउटसाइड होगा। क्या समझे, समझना ये है कि आपने रेडियस निकाल लिया, आपको पता चल गया कि चारों तरफ दूरी कितनी है, अब कोई पॉइंट इस दूरी से ज्यादा रहेगा उसकी दूरी, मतलब सपोज ये यहाँ पे पॉइंट होगा 2, 7/3, यहाँ से आप ओरिजिन का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर ये रेडियस से ज्यादा होगा तो ये आउटसाइड होगा, इंटीरियर में लाई नहीं करेगा, बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉइंट ए 3, 1, बी 5, 5 एंड सी 7, -5 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, सी ए। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है कि ये फॉलो हो रहा, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम लोग यही चेक कर लेते हैं, ये हो गया 3, √3 − 5² दैट इज 4 प्लस 1 − p² ठीक, प्लस अंडर रूट बी सी की वैल्यू 2×2 = 4
प्लस पी माइनस ऑफ माइनस फाइव दैट इज पी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, और फिर ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू हो जाएगी तीन माइनस सात दैट इज चाचों का सोलह, प्लस वन माइनस ऑफ माइनस फाइव दैट इज छत्तीस, छत्तीस छह बयालीस दस बावन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चार प्लस वन प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी, प्लस चार प्लस पी स्क्वायर प्लस पच्चीस प्लस दस पी। इसको और सॉल्व करिए, ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट, यहाँ पे क्या आया था पच्चीस, पच्चीस प्लस चार उनतीस, प्लस टेन पी प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट फिफ्टी। काफ़ी लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे। फाइव प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट फिफ्टी टू माइनस अंडर रूट ट्वेंटी नाइन प्लस टेन पी प्लस पी स्क्वायर। इसको क्या करिए एक बार आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्किल आर 2.3, अगर एक एंड डायमीटर का कितना है 2.3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर इज -2.5, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर ऑफ द डायमीटर आर, ये हो जाएगा x, y। अब आपको पता है कि ये डायमीटर है, ये सेंटर है, तो पक्का हाफ से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब x प्लस 2/2 इज इक्वल टू -2 एंड y प्लस 3/2 इक्वल टू 3, ठीक है। सेंटर 5 है, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 -6, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, डन। इसको सॉल्व करना इजी है। चलो, द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन दिस, अब x एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होता है, कहोगे भैया x एक्सिस पर x, 0, ठीक है। पॉइंट क्या है 2.3 और 4.-8, अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, k:1 में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो k:4 द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k:4 दैट इज 4k, और ये हो जाएगा 1:2 प्लस 2 अपॉन k+1, k:-8 -8k प्लस 3 अपॉन k+1, और ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि भैया x, 0 के, तो x को तो नहीं रिलेट कर सकते, इसको कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -8k प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0:0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि k प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8k इक्वल टू -3, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 3/8, डन। चलिए, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 3:8 में, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3.4 फ्रॉम द y एक्सिस, तो एक पॉइंट है -3.4 y एक्सिस, मतलब y एक्सिस का मतलब होता है 0, 0, y, ठीक है। यहां से यहां तक -3.4 तक का डिस्टेंस क्या होगा, कहोगे भैया x एक्सिस मतलब कि y पर सारी की सारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इस एक्सिस से -3.4 क्या होगा, यही y तक की डिस्टेंस तो होगी, ठीक है। देखो -3.4 को लाई कराओ, ये हो गया -3 और ये हो गया 4, ठीक है, सॉरी x तक की डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस ना, ये वाली, यही क्या हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम दैट y एक्सिस, तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। चलिए, मतलब अगर कभी भी आपसे ये भी पूछा जाए कि x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर, y एक्सिस का डिस्टेंस निकालना तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंट P5-3 इज वन ऑफ द टू पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A7-2 एंड B1-5। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्राई सेक्शन क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है मेरा, ये लाइन है ए बी, ट्राई सेक्शन मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इसको 1:2 या फिर 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, मतलब इस लाइन पर अगर मैं दो पॉइंट ड्रॉ कर दूं तो ये पूरा लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये पॉइंट जो है वो मान लीजिए पी है, तो ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, और क्यू की मैं बात करूं तो ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ये होता है ट्राई सेक्शन, और ये होते हैं दो ट्राई सेक्शन के पॉइंट। आपसे क्या पूछ रहा है,
P5, -3 is one of the two points of the trisection of the line segment joining this. दोनों से आ गया, किसी में एक में आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, यह ट्राइसेक्शन है। तो पहले मान लेते हैं 1:2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 = 2 × 7 = 14 / 3, और ये हो जाएगा 1 × -5 = -5 + 2 × -2 = -4 / 3, तो ये हो जाएगा आपका 15/3, और ये हो जाएगा -9/3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, -3 इज द पॉइंट, डन, क्लियर। तो बिल्कुल सही है, ये 1:2 मतलब कौन सा पॉइंट होगा, पी वाला ही पॉइंट होगा। चलिए अब आगे आपका एसेशन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट, वही मतलब तो आपको पता ही होगा, चौथा लेक्चर आप देख रहे हैं। एसेशन, द पॉइंट्स 0, -3 लाइज इन द क्वाड्रेंट सेकंड। तो एक बार देख लो यार, कहां लाई कर रहा है ये 0, -3, ये हो गया 0 और ये हो गया -3, ठीक है। तो बिल्कुल ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अच्छा, मैंने गलत बता दिया शायद ना, तो ये हो जाएगा 0, -3 यहाँ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ होगा, नहीं होगा, ये तो निगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो एसेशन तो गलत है, सॉरी। रीजन, इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स क्वाड्रेंट इज निगेटिव, एक्स क्वाड्रेंट इज निगेटिव एंड वाई क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, बिल्कुल रीजन सही है। तो एसेशन एंड इसमें ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, सी वाला, डन, सी की डी, सॉरी आज गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, जल्दबाजी हो रही है ना, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स आर दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना होगा, 4, -1 लेंगे, ये ले लेंगे -2, -3, और यहाँ पे एक बार चेक करेंगे 1:2 के रेशियो से, और एक बार चेक करेंगे 2:1 के रेशियो से। तो 1:2 से चेक कर लेते हैं इसको, -2 और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 2×8/3, तो ये आ जाएगा 8 में से 6 × 6/3, और 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे पहले ही 4 मुझे दिख रहा है, तो गलत दिख रहा है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 × -2, और फिर ये 2 × 4, 2×8, 8 में से 2 × 6 = 6/3, तो ये तो 2 होना चाहिए। और एक बार और मैं देख लेता हूँ, 1 × -3 - 3, और ये 2 × -1 = -2/3, तो 3×5 - 5/3, तो ये सही लग रहा है, बट ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो इसलिए एसेशन गलत है। द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स ए बी इन द 1:2 and 2:1 आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ए बी, बिल्कुल रीजन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट, बिल्कुल सही कहा गया है कि अगर एक पॉइंट जो है किसी भी लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करती है तो वो मिड पॉइंट कहलाती है, बिल्कुल सही है। If or triangle ABC is equal to 0, then the points A and B and C are collinear. बिल्कुल सही कहा गया, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर ट्रायंगल की एरिया क्या है, 0 है, तो वो लाइन क्या होंगे, वो पॉइंट क्या होंगे, तीन के तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे, तो collinear. Assertion भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. सो ऑप्शन बी पर आप गोला भरेंगे, डन, क्योंकि इसका इससे क्या संबंध है, मिड पॉइंट से क्या संबंध है, कोई नहीं। चलिए द नेक्स्ट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी से इसको लगाएंगे। क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटीज, सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन फिगर, द स्टूडेंट आर टू सो सीड्स ऑफ द फ्लॉरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लांट। तो कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, अगर ए ओरिजिन है तो भैया 0, 0 होगा, और क्या, 1 मीटर इधर, हाँ 0, 0 होगा। चलो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, और ये 2, 2, 4, 2, 6, 4, 6। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर ये 6, 6, 5, बहुत इजी इजी सवाल दे दिया यार ये तो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये डी है, ये हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 0, ये तो क्लास 9th का सवाल दे दिया है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एट ओरिजिन, अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होगा अगर डी को ओरिजिन लिया गया, तो ये हो जाएगा, अगर ये ओरिजिन है तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -12, 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी क्वेश्चन, क्लास 9th का ये तो क्वेश्चन है। चलिए, वन डे अभिमन्यु ए बिल्डिंग इंटीरियर डेकोरेटर वेंट टू हिज फ्रेंड हाउस टू अटेंड ए पार्टी,
He looked at the beautiful wooden shelf shaped like a parallelogram. ठीक है, ये देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है. And jokingly remarked that he can use of the knowledge of coordinate geometry and find the coordinate of the vertices of the parallelogram. वाह भाई. The fourth vertices of the D of a parallelogram ABCD whose three vertices are this, this and this are. तो आप बहुत सारे मेथड है इसके निकालने के, मैं आपको बता दे रहा हूँ. जैसे ये ए मान लीजिए ये है -2, 3, बी है आपका 6, 7, ठीक है, सी है आपका 8, 3 और डी आपको निकालना है. ठीक है, अब आप याद ये रखिएगा कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो आप यहाँ का वो निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. ये क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है. तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से 6/2 हो जाएगा 3, 3, 6/2 हो गया आपका 3, ये हो गया 3, 3. तो ये भी कितना होना चाहिए, इधर से भी बाइसेक्ट करने पर 3, 3 होना चाहिए. तो x + 6/2 = 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो ये तो ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा ये. इसी तरह y + 7/2 = 3, तो 2 + 3 y = -1. बढ़िया सवाल था, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द होमवर्क क्वेश्चन. तो मेक श्योर कि सारे के सारे बच्चे अटेम्प्ट करके मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है और एक आध क्वेश्चन मुझे से फंसे थे, उसको आप देखकर कमेंट जरूर करिएगा. ठीक है, तो देखता हूँ कौन कौन से बच्चे 20वें क्वेश्चन तक. आज थोड़ी स्पीड ज्यादा रही क्योंकि जो जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ टाइम बहुत कम बचा है, मात्र 15 मिनट बाद ये वीडियो लाइव हो जाएगी. ठीक है, चलिए तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कोऑर्डिनेट आपका पूरा रिवाइज हो गया होगा. कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, हर टॉपिक पे सवाल भी करवा दिए हैं. अब आपको डीपीपी मिलेगी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, एनसीईआरटी आपने सॉल्व कर रखी होगी, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा. चलिए तब तक.